दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने इब्राहिम धर्मों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम इब्राहिम धर्मों के बीच सामान्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सभी इब्राहिम धर्म इस परंपरा को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ने स्वयं को कुल पिता इब्राहिम के सामने प्रकट किया था। मूर्ति पूजा में उनकी अस्वीकृति और एक ईश्वर में उनके विश्वास ने यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म की नींव रखी। ये सभी धर्म एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और सभी ईश्वर को एक उत्कृष्ट रचनाकार और नैतिक कानून का स्रोत मानते हैं। इन तीन मुख्य इब्राहिम धर्मों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में व्यक्ति, ईश्वर और ब्रह्मांड एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कोई व्यक्ति प्राकृतिक दुनिया पर विचार करके या दार्शनिक अटकलों के माध्यम से मोक्ष या अतिक्रमण की तलाश नहीं करता है, बल्कि भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, जैसे कि भगवान की इच्छाएं या उसके कानून का पालन करना और ईश्वरीय रहस्योद्घाटन को स्वयं प्रकृति रीति रिवाज से बाहर देखता है। सभी इब्राहिम धर्मों में ईश्वर को सदैव पुरुषवाचक ही माना जाता है। सभी इब्राहिमिक धर्म यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम पुरुषों के खतने का आदेश देते हैं। आइए अब हम इब्राहिम धर्मों के बीच के अंतर को जानें। उदाहरण के लिए अवतार, त्रिमूर्ति और यीशु के पुनरुत्थान की आम ईसाई मान्यताएं यहूदी धर्म या इस्लाम द्वारा स्वीकार नहीं की जाती हैं। जहां ईसाइयों और इस्लाम में सिर्फ एक ही धर्म ग्रंथ है, जैसे बाइबल और कुरान, उसके विपरीत यहूदी धर्म के प्राथमिक ग्रंथों में से एक तनाक है, जो उनके प्रारंभिक इतिहास से लेकर दूसरे मंदिर के निर्माण तक ईश्वर के साथ इजराइलियों के संबंध का विवरण दर्शाता है। रबेनिकल यहूदियों ने तलमूड लिखा, जो कानूनी फैसलों और बाइबल व्याख्या का एक लंबा काम है, जो तनक के साथ रेबेनिकल यहूदी धर्म का एक प्रमुख पाठ है। कैरेट यहूदी और बीटा इजराइल केवल तनक का अनुसरण करते हुए तलमूड और ओरल टोरा के विचार को अस्वीकार करते हैं। ईसाई धर्म पहली शताब्दी में यहूदी धर्म के भीतर एक संप्रदाय के रूप में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व शुरुआत में यीशु ने किया था। उनके अनुयायियों ने उन्हें मसीहा के रूप में देखा, उनके क्रूस पर चढ़ने और मृत्यु के बाद वो ऐसा मानते हैं कि वो पुनर्जीवित हो गए थे और ईश्वर के शाश्वत साम्राज्य का निर्माण करने के लिए वापस आएंगे। विभिन्न रोमन अधिकारियों के साथ कई अवधियों के वैकल्पिक उत्पीड़न और सापेक्ष शांति के बाद ईसाई धर्म 380 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का राज्य चर्च बन गया, लेकिन इसकी शुरुआत से ही यह विभिन्न चर्चों में विभाजित हो गया। बीजेंटिन साम्राज्य द्वारा ईसाई जगत को एकजुट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन 1054 के पूर्व पश्चिम विवाद के बाद यह औपचारिक रूप से विफल हो गया। और 16वीं शताब्दी तक आते आते ईसाई धर्म कई संप्रदायों में विभाजित हो गया। इस्लाम धर्म कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है। इस्लाम मानता है कि प्रत्येक पैगंबर ने इस्लाम का प्रचार किया, क्योंकि इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ ईश्वर के प्रति समर्पण है, जो सभी इब्राहिम पैगंबरों द्वारा प्रचारित मुख्य अवधारणा है। हालांकि कुरान इस्लाम का केंद्रीय धार्मिक पाठ है, जिसे मुसलमान ईश्वर की ओर से रहस्योद्घाटन मानते हैं। कुरान से पहले ईश्वर द्वारा प्रकट मानी जाने वाली अन्य इस्लामिक किताबें जो नाम से कुरान में लिखित गई हैं, वो है तोरा, जो पैगंबरों द्वारा बताई गई बातों पर आधारित है। मुसलमान कुरान की शिक्षाओं को ईश्वर का प्रत्यक्ष और अंतिम रहस्योद्घाटन और आदेश मानते हैं। यहूदी धर्म की तरह इस्लाम एक ईश्वर की अवधारणा को मानता है, जिसे तौहीद कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इब्राहिम धर्म को यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम माना जाता है, परंतु इनके अलावा अन्य इब्राहिम धर्म भी इवॉल्व हुए हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान और उसके बाद धर्म जैसे कि बहाई आस्था, जो कि इब्राहिम को आदम, मूसा, जोरास्टर, कृष्ण, गौतम बुद्ध, यीशु, मोहम्मद, बाप और अंततः बाहुल्ला सहित ईश्वर की कई अभिव्यक्तियों में से एक रूप में मान्यता देता है। दूसरा है ड्रूजिज्म या ड्रूज आस्था, जो एक ईश्वरवादी धर्म है। यह उच्च इस्लामिक हस्तियों और यूनानी दार्शनिकों की शिक्षाओं पर आधारित है।
ड्रूज आस्था में इस्लाम के इस्माइलिज्म, नेस्टोजिज्म, नियोप्लोटिनिज्म, पाइथागोरिनिज्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और अन्य दर्शन और मानवताओं के तत्व शामिल हैं, जो एक विशिष्ट और गुप्त धर्म शास्त्र का निर्माण करते हैं, जो गूढ़ धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने और मन और सच्चाई की भूमिका को उजागर करने के लिए जाना जाता है। ड्रूज थियोफनी का पालन करते हैं और पुनर्जन्म या आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास रखते हैं। ड्रूज आस्था में भी ईश्वर यीशु को ईश्वर के एक महत्वपूर्ण पैगंबरों में से एक माना जाता है। तीसरा है रस्ताफ्री। यह एक नए धार्मिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन दोनों रूप में वर्गीकृत 1930 के दशक के दौरान जमैका में विकसित हुआ है। रस्ताफ्री अपनी मान्यताओं को, जो बाइबल की एक विशिष्ट व्याख्या पर आधारित है, रेस्टोलॉजी के रूप में संदर्भित करते हैं। यह लोग एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जिसे जाह कहा जाता है और जो आंशिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहता है। चौथा है सामरीवाद। ये लोग सामरी टोरा का पालन करते हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह मूल अपरिवर्तित टोरा, जो यहूदियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टोरा के विपरीत है। सामरी लोग टोरा के अलावा जोशुआ का भी सम्मान करते हैं। सामरीवाद को आंतरिक रूप से उस धर्म के रूप में वर्णित किया गया है, जो मूसा के साथ शुरू हुआ था और तब से चली आ रही सहस्त्राब्दियों में अपरिवर्तित है। सामरी लोगों का मानना है कि यहूदी धर्म और यहूदी टोरा समय के साथ भ्रष्ट हो गए हैं और अब सिनाई पर्वत पर ईश्वर द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। जहाँ यहूदी यरूशलम में टेंपल माउंट को अपने सबसे पवित्र स्थान के रूप में देखते हैं, वहीं सामरी लोग नेबल्स के पास माउंट गेरिजम को पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। पांचवा है मेंडेइज्म, जिसे कभी कभी नासोरिज्म या सबिनिज्म के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ज्ञानवादी एक ईश्वर और जातीय धर्म है। इसके अनुयायी मांडियन, एडम, हाबिल, सेट, एनोस, नू, सेम, आराम और विशेष रूप से जॉन द बैप्टिस्ट का सम्मान करते हैं। मांडियम, एडम, सेट, नू, सेम और जॉन को जॉन द बैप्टिस्ट को पैगंबर मानते हैं। एडम इस धर्म के संस्थापक हैं और जॉन सबसे महान और अंतिम पैगंबर। मध्य पूर्व के भीतर मांडियंस को आमतौर पर सुबा या सबियन के रूप में जाना जाता है। सेबियन शब्द कुरान में तीन बार वर्णित रहस्यमय धार्मिक समूह से लिया गया है। ईसाई धर्म सबसे बड़ा इब्राहिम धर्म है, जो दुनिया की लगभग 32% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा इब्राहिम धर्म है, साथ ही यह अभी के दशकों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला इब्राहिम धर्म भी है। यह विश्व की जनसंख्या का लगभग 24% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा सबसे बड़ा इब्राहिम धर्म यहूदी धर्म है, जिसके लगभग 14 लाख अनुयायी हैं, जिन्हें यहूदी कहा जाता है। बहाई धर्म के 8 मिलियन से अधिक अनुयायी हैं, जो इसे चौथा सबसे बड़ा इब्राहिम धर्म बनाते हैं। ड्रूज आस्था के अनुयायियों की संख्या 1 से 2 लाख के बीच है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।